हरे कृष्णा, हम आ पहुँचे हैं वृंदावन धाम और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ये प्रेम मंदिर का मेन गेट है। मंदिर का द्वार इतना सुंदर है तो आप सोचिए मंदिर कितना ही सुंदर होगा। प्रेम मंदिर के आगे तो ताजमहल भी फीका है। इस वीडियो में हम पूरा मंदिर कवर करेंगे और आपको मंदिर के अंदर भी ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप भी वृंदावन के प्रेम मंदिर में आने का सोच रहे हैं तो शाम का टाइम बिल्कुल ठीक है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नज़र आता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण जगतगुरु श्री कृपालु महाराज जी द्वारा कराया गया है। इस मंदिर में आपको मनोहर झांकियां देखने को मिलेंगी, जैसे आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री जी राधा रानी झूला झूलते हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियां आपका मन मोह लेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान साक्षात हमारे सामने हों। दोस्तों, अभी शाम का टाइम है। कुछ ही देर में मंदिर की लाइटिंग शुरू हो जाएगी और मंदिर हर 30 सेकंड के बाद अपना रंग बदलना शुरू कर देगा। मंदिर में आपको म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आपको पूरे मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं देखने को मिलेंगी। तो आप भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियों का आनंद लें। अंदर जाना शूज पर से ये तो झांके रखो। आते जाओ होली खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण। और ये ब्रज की मशहूर लठमार होली की झांकी। कृपालु जी महाराज।
कृपया बच्चों को अकेला श्री गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। श्री गोवर्धन धारण लीला। दोस्तों अगर मंदिर आए तो जल्दबाजी में ना आए, क्योंकि मंदिर काफ़ी विशाल है। पूरा मंदिर देखने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं के दर्शन हैं, जो कि आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट की है और लंबाई 122 फीट है और मंदिर की चौड़ाई करीब 115 फीट है। ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है, जो कि इटली से मंगवाए गए थे। पूरा मंदिर वाइट इटालियन मार्बल से तराशा गया है। इस प्रेम मंदिर में 94 कलामंडित पिलर हैं, जो कि किंकरी और मंजरी सखियों के विग्रह को दर्शाते हैं। मंदिर 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार किया गया है। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कि हर 30 सेकंड में बदलती रहती है। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और श्री जी राधा रानी का घर है और यहाँ पर रोज़ दिवाली जैसा नज़ारा होता है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। अंदर आपको भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन मिलेंगे और जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी के भी दर्शन होंगे। ये प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण की एक और झांकी के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए
प्रेम मंदिर के अंदर कैंटीन की सुविधा भी है, यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ खा पी सकते हैं। ये रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य है। अब कुछ ही देर में म्यूजिकल फाउंटेन और मंदिर की स्पेशल लाइटिंग शुरू होने वाली है। प्रेम मंदिर की स्पेशल सतरंगी लाइटिंग शुरू हो चुकी है। अब हर 30 सेकंड में मंदिर की लाइटिंग चेंज होती रहेगी। इसी नज़ारे को देखने के लिए शाम के टाइम भक्तों की भीड़ रहती है। कालिया नाग दमन लीला, भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला की झांकी। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य करते हुए। तो आइए अब चलते हैं म्यूजिकल वाटर फाउंटेन की ओर। दोस्तों, कॉपीराइट की वजह से वाटर म्यूजिकल फाउंटेन का म्यूजिक आपको नहीं सुना सकते। म्यूजिकल वाटर फाउंटेन में आपको म्यूजिक के साथ वीडियोस भी दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर की झांकी चलते हुए। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज सत्संग करते हुए। वाटर म्यूजिकल फाउंटेन, लेज़र लाइट शो और मंदिर की स्पेशल लाइटिंग देखने के लिए शाम के टाइम भक्तों की बहुत भीड़ रहती है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। Thank you.